अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है हम जा रहे हैं वादी हनीफा, जो कि हमारे घर के सबसे करीब है, और हम लोग जो है वहाँ जाके बारबेक्यू करने वाले हैं आज इंशाल्लाह। और आपको भी दिखाते हैं वहाँ पे कैसी है वादी हनीफा। हम लोग भी इससे पहले जो है वो वहाँ पर नहीं गए हैं, फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो वहाँ की जो है वो व्लॉग वगैरह भी मैं बनाऊँगी तो आप लोगों को दिखाएंगे। ये हम जो है वो ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। बस ये थोड़ा सा रास्ता है जो कि बड़ा डेंजरस सा है, और है बड़ा अच्छा, और दिन में जो है वो ये रास्ता बड़ा अच्छा लगता है, और जितना दिन में अच्छा लगता है उतना ही रात में डेंजरस भी लगता है। और बस अभी जो है वो हम लोग निकल चुके हैं। अब हम जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पहुँच के तो पार्किंग का इशू होता है, अब देखते हैं कि हमें जल्दी से पार्किंग मिल जाती है। और जी हम पहुंच गए हैं वादी हनीफा, और यहाँ पे हमारे घर से मुश्किल से 15 to 20 मिनट्स का ही रास्ता है, तो हम लोग काफ़ी जल्दी यहाँ पे पहुंच गए थे। दिन ही हो रहा है अभी, इतनी ज़्यादा जो है वो गर्मी स्टार्ट नहीं हुई है यहाँ पे, तो हम लोग जो है वो दिन के टाइम यहाँ पे आए हैं। और यह है कि रात तक जो है वह हम यहाँ पे अभी बारबेक्यू बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर पहुँचने के बाद पार्किंग बड़ा टास्क होता है, क्योंकि यहाँ पे छुट्टी वाले दिन पार्किंग मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए होते हैं। यहाँ पे पूरा ये पार्क एरिया भी है राइट साइड पे, और ये लेफ़्ट साइड पे जो है वो पानी बह रहा होता है, और उस तरफ भी जाके बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो लाइट्स वग़ैरह बहुत कम होती हैं। सो जी बस अभी जो है वो हम सबसे पहले पार्किंग ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पे जब भी हम आते हैं ऐसी पार्क साइट पे, तो हम लोग ये करते हैं कि चादर चेयर्स वग़ैरह इस तरीके से अपनी बैठने की आराम से सारी चीज़ें वग़ैरह ले आते हैं, और फिर बैठ के आराम से, ये है कि काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। और वैसे भी बाहर जाने का इस तरह पार्क वग़ैरह आउटडोर बैठने का सबसे अच्छा जो सीज़न होता है वो यही होता है, क्योंकि इसके बाद जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर तो हमारा घर से बाहर आना दिन के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है, शदीद गर्मी होती है यहाँ पे, तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तो जैसे ठंड है या थोड़ी सी ठंड जैसे अब जा रही है, कम हो गई है, तो अब इजीली हम लोग जो है वो बाहर बैठ सकते हैं। तो बस जी अदील ने जो है वो हमें ड्रॉप कर दिया था कि आप लोग बैठें और मैं जो है वो ज़रा पार्किंग लगा के आता हूँ। तो ये वाला साइड भी बड़ा अच्छा है, यहाँ पर भी आके बैठ के अपनी चेयर्स वगैरह लगा के बारबेक्यू वगैरह बना सकते हैं। अच्छा जो ग्रास साइट है ना, उस पूरी ग्रास साइट पे ना बारबेक्यू नहीं करने देते हैं, बल्कि जहाँ ग्रास ख़त्म हो रही है बिल्कुल कॉर्नर पे, वहाँ बारबेक्यू करने की इजाज़त है। काफ़ी रूल्स यहाँ के स्ट्रिक्ट होते हैं, कहीं भी बैठने ऐसे नहीं दिया जाता है, क्योंकि सफाई का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर भी फैमिलीज़ बैठी हुई हैं ट्री के नीचे, तो यहाँ हमें कहीं जगह मिली नहीं थी, दिन का टाइम है, ज़ाहिर है धूप हो रही है, तो हम लोग जो है वो थोड़ा सा इस तरफ ग्रास की तरफ आके बैठ गए थे। फिर ये है कि जब बारबेक्यू वग़ैरह बनेगा तो फिर हम कॉर्नर वाली साइड पे जो है वो हम वहाँ पे जाके फिर बना लेंगे। रात के टाइम थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, इतनी ज़्यादा रोशनी जो है उधर नहीं है, तो बस इधर हमारे कोयले वग़ैरह जल गए हैं,
शाम का टाइम काफ़ी अच्छा स्पेंड हो गया। चीज़ें वगैरह हम लोग शाम में खाने वगैरह के लिए ले आए थे, फ्रूट्स वगैरह वो सब खा के फिर अभी ये कोयले वगैरह जल रहे हैं। छोटी सी अंगीठी है हमारी और ये हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल ठीक है, हम 5 ही लोग हैं। और बस जी ये चिकन जो है वो लग चुकी है, चिकन सीख कबाब, चिकन टिक्का है और सीख कबाब है। तो और बस जी यहाँ पे जो है वो हमारा बारबेक्यू बनना स्टार्ट हो गया है और देखते हैं फिर कैसा जो है वो बनता है। और बस यहाँ पे रात के टाइम जो है वो इतनी ही रोशनी होती है, इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं होती है। अगर ग्रास साइड पे आप मतलब जैसे खाना पका के ऑलरेडी लेके आए हुए हैं तो फिर तो बहुत आसानी रहती है कि आप जो है वो आराम से ग्रास साइड पे बैठ जाएं और अपना खाना वगैरह खा लें। लेकिन अगर आपने यहीं बनाना है, पकाना है, तो इसी तरफ बैठना पड़ता है। किसी भी आप बोतल पड़ी हो ना उसमें से थोड़ा सा पानी आके डालो इसके प्लेट के अंदर। टिक्का टिक्का लग गया है और अब सीख कबाब इसमें डाल, थोड़ा सा डाल दो इसके अंदर। और जी बस मैं, अम्मी और मोहम्मद जैसे वॉक करने निकले हैं और देखें यहाँ पे कितने सारे बच्चे हैं, सब अपनी बाइक्स स्कूटीज़ वगैरह लेके आ जाते हैं और ख़ूब यहाँ पे जो है वो बस इंजॉय वगैरह कर रहे होते हैं। माशाल्लाह से पूरा पार्क, एक पार्क नहीं इस तरह की तरह भी कितने पार्क हैं और सब भरे हैं। हमको तो भाई पार्किंग ही नहीं मिल रही थी बिल्कुल भी, हर जगह माशाल्लाह माशाल्लाह लोग बैठे हुए हैं। और और जी बस बारबेक्यू जो है वो हमारा रेडी हो रहा है। पहले ये चिकन जो है वो रेडी हो जाएगी, उसके बाद पहले कबाब वगैरह भी हमने रख दिए थे तो वो भी रेडी हो गए हैं। और बस इसके अलावा ये है कि यहाँ अगर आपने आना है तो यहाँ की लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और ये हमारा बारबेक्यू रेडी हो गया। ये थी हमारी छोटी सी वादिया हनीफा की व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारी सारी वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर कर दिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हम ये आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।